के एस सुदर्शन कुप्पाहाली सीतारमैया सुदर्शन मूलतः तमिलनाडु और कर्नाटक की सीमा पर बसे कुप्पाहाली गांव के निवासी थे। कन्नड़ परंपरा में सबसे पहले गांव, फिर पिता और फिर अपना नाम बोलते हैं। के एस सुदर्शन के पिता सीतारमैया वन विभाग की नौकरी के कारण अधिकांश समय मध्य प्रदेश में ही रहे और वही तत्कालीन मध्य प्रदेश मौजूदा छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर जिला में एक ब्राह्मण परिवार में 18 जून 1931 को सुदर्शन जी का जन्म हुआ था। आजीवन अविवाहित रहे सुदर्शन के परिवार में उनसे छोटी बहन वत्सला, बहनोई, छोटा भाई रमेश और भाभी हैं। तीन भाई और एक बहन वाले परिवार में सुदर्शन जी सबसे बड़े थे। सुदर्शन की प्रारंभिक शिक्षा रायपुर, दमोह, मंडला और चंद्रपुर में हुई। महज 9 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने पहली बार आरएसएस शाखा में भाग लिया। उन्होंने वर्ष 1954 में जबलपुर के सागर विश्वविद्यालय से दूरसंचार विषय में बीई की उपाधि प्राप्त कर 23 वर्ष की उम्र में पहली बार सुदर्शन आरएसएस के पूर्णकालीन प्रचारक बने। संघ में परंपरा है कि पूर्णकालीन प्रचारक विवाह नहीं करते। उन्होंने भी इस परंपरा का निर्वाह करते हुए सारा जीवन देश और संगठन को समर्पित कर दिया। सर्वप्रथम उन्हें रायगढ़ भेजा गया। सुदर्शन जी ज्ञान के भंडार, अनेकों विषयों एवं भाषाओं के जानकार और अद्वित व्यक्तित्व कला के धनी थे। किसी भी समस्या की गहराई तक जाकर उसके बारे में मूलगामी चिंतन कर उसका सही समाधान ढूंढ निकालना उनकी विशेषता थी। पंजाब की खालिस्तान समस्या हो या असम का घुसपैठ विरोध आंदोलन, अपने गहन अध्ययन तथा चिंतन की स्पष्ट दिशा के कारण उन्होंने इनके निदान हेतु ठोस सुझाव दिए। साथ ही संघ के कार्यकर्ताओं को उस दिशा में सक्रिय कर आंदोलन को गलत दिशा में जाने से रोका। पंजाब के बारे में उनकी यह सोच थी कि हिंदू और सिखों में कोई अंतर नहीं है, हर केसधारी हिंदू है तथा प्रत्येक हिंदू दसों गुरुओं व उनकी पवित्र वाणी के प्रति आस्था रखने के कारण सिख है। इस सोच के कारण खालिस्तान आंदोलन की चरम अवस्था में भी पंजाब में गृह युद्ध नहीं हुआ। इससे आंदोलन के विदेशी आकाओं को बहुत निराशा हुई। सुदर्शन जी अच्छे वक्ता के साथ ही अच्छे लेखक भी थे। यद्यपि प्रवास के कारण उन्हें लिखने का समय कम ही मिल पाता था, फिर भी उनके कई लेख विभिन्न पत्रों में प्रमुखता से प्रकाशित किए गए। अपने धारा प्रवाह उद्बोधन में दोहे, कुंडली, श्लोक तथा कविताओं के उदाहरण देकर वे श्रोताओं के मन पर अमिट छाप छोड़ते थे। सुदर्शन जी का आयुर्वेद पर बहुत विश्वास था। हृदय रोग से पीड़ित होने पर चिकित्सकों ने बाईपास सर्जरी ही एकमात्र उपाय बताया, पर सुदर्शन जी ने लौकी के ताजे रस के साथ तुलसी, काली मिर्च आदि के सेवन से स्वयं को ठीक कर लिया। सुदर्शन जी को संघ क्षेत्र में जो भी दायित्व दिया गया उसमें अपनी नवनवीन सोच के आधार पर उन्होंने नए नए प्रयोग किए। सन 1969 से सन 1971 तक उन पर अखिल भारतीय शारीरिक प्रमुख का दायित्व था। इस दौरान ही खड़क, सूल, छुरिया आदि प्राचीन शस्त्रों के स्थान पर नियुद्ध आसम तथा खेल को संघ शिक्षा वर्गों के शारीरिक पाठ्यक्रम में स्थान मिला। आपातकाल के अपने बंदीवास में उन्होंने योग चाप पर नए प्रयोग किए तथा उसके स्वरूप को बिल्कुल बदल डाला। योग चाप की लय और ताल के साथ होने वाले संगीतमय व्यायाम से 15 मिनट से ही शरीर का प्रत्येक जोड़ आनंद एवं नव स्फूर्ति का अनुभव करता है। सन 1977 में उनका केंद्र कोलकाता बनाया गया तथा शारीरिक प्रमुख के साथ साथ वे पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्र प्रचारक भी रहे। इस दौरान उन्होंने वहां की समस्याओं का गहरा अध्ययन करने के साथ साथ बंगाल और असमीय भाषाओं पर भी अच्छा अधिकार प्राप्त कर लिया। सन 1979 में वे अखिल भारतीय बौद्धिक प्रमुख बने।
शाखा पर बौद्धिक विभाग की ओर से होने वाले दैनिक कार्यक्रम, साप्ताहिक कार्यक्रम, मासिक कार्यक्रम तथा शाखा के अतिरिक्त समय से होने वाली मासिक श्रेणी बैठकों को सुव्यवस्थित स्वरूप 1979 से 1990 के कालखंड में ही मिला। शाखा पर होने वाले प्रातः स्मरण के स्थान पर नए एकात्मता स्त्रोत एवं एकात्मता मंत्र को भी उन्होंने प्रचलित कराया। सन 1990 में उन्हें सह सरकार्यवाहक की जिम्मेदारी दी गई। देश का बुद्धिजीवी वर्ग जो कम्युनिस्ट आंदोलन की विफलता के कारण वैचारिक संभ्रम में डूब रहा था, उसकी सोच एवं प्रतिभा को राष्ट्रवाद के प्रवाह की ओर मोड़ने हेतु प्रज्ञा प्रवाह नामक वैचारिक संगठन भी आज देश के बुद्धिजीवियों में लोकप्रिय हो रहा है। इसकी नींव में सुदर्शन जी ही थे। संघ कार्य तथा वैश्विक हिंदू एकता के प्रयासों की दृष्टि में उन्होंने ब्रिटेन, हॉलैंड, केन्या, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, हांगकांग, अमेरिका, कनाडा, टोबैगो, गुयाना आदि देशों का प्रवास भी किया। प्रारंभिक जिला विभाग प्रचारक आदि की जिम्मेदारियों को सफलतापूर्वक निभाने के बाद सन 1964 में रायगढ़ जिले में सुदर्शन बतौर संघ के प्रचारक बनाए गए। बाद में वे मध्य प्रदेश के प्रांत प्रचारक बने। इसके बाद उन्होंने संघ में कई तरह की अहम जिम्मेदारियां संभाली। सन 1969 में उन्हें ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन का कन्वेयर बनाया गया। वह इस पद पर करीब 29 वर्ष तक रहे। सन 1990 में उन्हें संघ का महासचिव नियुक्त किया गया। सुदर्शन करीब 6 दशकों तक आरएसएस प्रचारक रहे। संघ कार्य में सरसंघचालक की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। चौथे सरसंघचालक प्रोफेसर राजेंद्र सिंह को जब लगा कि स्वास्थ्य खराबी के कारण वे अधिक सक्रिय नहीं रह सकते, तो उन्होंने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से परामर्श कर 10 मार्च 2000 को अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में सुदर्शन जी को यह जिम्मेदारी सौंप दी। 9 वर्ष बाद सुदर्शन जी ने भी इस परंपरा को निभाते हुए 21 मार्च 2009 को सर कार्यवाहक मोहन भागवत को छठे सर संघचालक का कार्यभार सौंप दिया। सुदर्शन संघ प्रमुख के पद से हटने के बाद से भोपाल में रह रहे थे और संघ के विभिन्न कार्यों में मार्गदर्शक के रूप में भूमिका निभा रहे थे। डिमेंशिया से पीड़ित सुदर्शन कुछ समय से बीमार चल रहे थे और उनकी देखभाल के लिए एक अटेंडेंट रखा गया था। के सुदर्शन का 15 सितंबर 2012 को रायपुर में दिल का दौरा पड़ने से निधन हुआ था। वह 81 वर्ष के थे। सुदर्शन का सुबह लगभग 6:30 बजे आरएसएस के प्रांतीय कार्यालय जागृति मंडल में निधन हुआ। वह रोज की तरह सुबह सैर करके आरएसएस के दफ्तर में आकर बैठे थे, तभी उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। काफ़ी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। डॉक्टर ने बताया कि उन्होंने उस समय अंतिम सांस ली जब वह सुबह के समय 40 मिनट की नियमित सैर के बाद अपने कक्ष में प्राणायाम कर रहे थे। वह 13 सितंबर से रायपुर प्रवास पर थे। उन्होंने पूर्व सांसद गोपाल व्यास द्वारा लिखित पुस्तक सत्यमेव जयते का विमोचन 14 सितंबर 2012 को किया था। मरने के पूर्व उन्होंने अपनी आंख माधव आई बैंक को दान में दे दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, DNX TV, रायपुर।